नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि Honor 10 Lite जो Huawei का Honor डिवाइस है, तो उसके लिए जो है Android 10 का अपडेट तो जनवरी में रिलीज़ कर दिया गया था। अब में से लगभग बहुत सारे यूजर्स को ये अपडेट जो है देखने को मिल चुका था, लेकिन बीच में ही इसे जो है पोस्ट कर दिया गया था कंपनी की तरफ से। यानी कि क्योंकि इसमें या तो कोई बग हमें फेस करने को मिल रहा था, या फिर इसे कंपनी ने अपने एंड से कोई प्रॉब्लम आने पर जो है पोस्ट कर दिया था। लेकिन अब जो है फरवरी के महीने में दोबारा से Honor 10 Lite के लिए जो है Android 10 अपडेट का जो है रोल आउट शुरू कर दिया गया है। तो सब कुछ जानने के लिए जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अगर दोस्तों आपको अपने Honor 10 Lite में जो है Android 10 का अपडेट देखने को मिल चुका है, या आपने जो है अपने डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी बहुत सारे यूजर्स को ये अपडेट जो है देखने को नहीं मिला है, तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने डिवाइस में अभी का अभी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन यूजर्स को Honor 10 Lite में जो है Android 10 का अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है ऑफिशियल अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो आपको जो है बहुत जल्दी OTA के थ्रू ये अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले Honor ने इस अपडेट को जो है दोबारा से रिज्यूम कर दिया है और सभी यूजर्स के लिए इसे जो है बैच वाइज रोल आउट शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर से हाई केयर जो Honor की ऐप है, तो उसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस तरह का ये ऐप है, और इस ऐप को जो है आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को जो है अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे बाकी जो है सारी प्रोसेस आती है उनको कंप्लीट करना है, और वहाँ से साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास Huawei की आईडी है, तो उस Huawei की आईडी से आपको जो है वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आईडी नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे एक नई आईडी तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आप आईडी तैयार कर लेते हैं और परमिशंस वगैरह आएंगी, तो उनको जो है आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको सर्विसेज पे जाना है, जैसे ही ऐप जो है ओपन हो जाती है। और उसके बाद जो है आपको अपडेट सेक्शन में जाना है, जो कि सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप जो है सर्विसेज के अपडेट ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अपडेट यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, या रिक्वेस्ट अपडेट का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे आपको जो है अप्लाई के लिए जो है एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ से जो है जनरली अप्लाई पे कर लेना है, और जो भी अपडेट जो है आपको वहाँ पे शो होगी वो लेटेस्ट अपडेट होगी Honor 10 Lite के लिए, जो होगी Android 10 अपडेट की। तो आपको उसे वहाँ से सिंपली उसी तरह जो है इंस्टॉल कर लेना है, और आप अपने डिवाइस में अब Android 10 अपडेट का जो है मजा उठा पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अदरवाइज इसके लिए जो है एक और ऑप्शन है, जो कि हाई स्वीट ऐप का है। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है, तो उसके थ्रू भी आप जो है अपने डिवाइस को अभी का अभी जो है इंस्टॉल Android 10 का अपडेट इसमें कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, अगर आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस अपडेट को इस वे में इंस्टॉल करने पे सक्सेस हुए या नहीं। और अगर आप सक्सेस नहीं हुए हैं, तो आपको आपकी रिक्वेस्ट पे जो है दूसरी वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसमें आप जो है अपने PC के थ्रू इसमें जो है लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस अपडेट को इस तरह से इंस्टॉल मत कीजिएगा। और अगर आप जो है बहुत जल्दी चाहते हैं इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना, तो तभी इसे इंस्टॉल करिएगा। बाकी जो है ये वैसा ही ऑफिशियल अपडेट है, जैसे कि आपको OTA के थ्रू आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि OTA के थ्रू जो है अपडेट करने का एक अपना ही एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो आप जरूर OTA का वेट कर लीजिए। आपको 2-4 दिनों में ये अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो आप जरूर इस वे से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भविष्य में आने वाली ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।